So, ऐसा क्या तुम तीनों के साथ तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अब्बा अम्मा ने ऐसी परवरिश की कि वो कॉन्फिडेंस लेवल रखा तुम लोगों के अंदर? इनकी अच्छी बात ये कि इन्होंने हमेशा इक्वालिटी की, कभी जेंडर डिफ्रेंसिएशन नहीं की, कभी घर में ये नहीं बोला काश लड़का होता तो ये कर देता, कभी ये जुमला सुनने को तुम लोगों को नहीं मिला। बल्कि इनसे अम्मा से ना इनकी कभी किसी फैमिली से किसी से भी नहीं, क्योंकि इनका यह कि कभी भी इन्होंने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि अच्छा लड़का है तो लड़का ये करेगा, यानी जेंडर रोल्स डिफाइन नहीं किए। अच्छा, तो हमसे कहा कि देखो एक स्किल है और हमने इनको भी करते देखा, जैसे हमने इनको खाना पकाते देखा, हाँ, अपनी वाइफ की हेल्प करते देखा, अच्छा किचन में, हाँ, बिल्कुल झाड़ुओं तक लगवाई है मुझसे मेरी बीवी ने मार मार के। यार उस जमाने में इंस्टा और ये वीडियो वायरल क्यों नहीं थी, शगुदल भी झाड़ू लगाते हैं, सुना नहीं, मार मार के। मैं अभी बनवा के वीडियो भेज देता हूँ, कर दो यार। वाकई कोरोना में तो खैर सबने लगाया, लेकिन कोरोना के अलावा भी लगाते थे। नहीं, मैं इसलिए लगाता था क्योंकि मुझे मेरी माँ ने आदत डाली थी। मेरी बेसिक तरबियत जो है, ज्यादा तरबियत अब्बू ने भी की, जो अब्बू कर सकते रहे, लेकिन अम्मी ने बहुत की। और अम्मी ने जो ये इक्वालिटी का चक्कर डाला ना मेरे अंदर, बचपन से मेरे अंदर ये था कि औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं। कितने बहन भाई हैं? खुद आप तीन बहन भाई। सबसे बड़े भाई हैं, वो बाहर कनाडा होते हैं, बहन है वो अमेरिका रहती है फैमिली के साथ, और मैं तीसरा। तो बहन के साथ भी बचपन से साथ मिलके काम करता था। उसकी शादी हो गई थी बहुत जल्दी, तो अम्मी के साथ मिलके रोटियां भी पकाई, घर की सफाइयां भी की, फिर शादी हो गई तो इनके साथ भी किया। तो ये तो क्रेडिट आपकी अम्मी को जाता है कि ऐसा बेटा, वो नहीं कहते हैं कि भाई अगर प्रिंसेस जो है अगर बना के रखा है हस्बैंड ने, तो उसका क्रेडिट उनकी अम्मा, वो क्वीन होंगी तभी। तो ऐसे ही एक सेइंग है, ये को यही कहती है, हरफन मौला है माशाल्लाह। कोई भी काम करना शुरू होते हैं तो लगता है जैसे ये तो इन्हें आता ही है। अच्छा, सो ये कहानी है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।